सर जी, कुछ गिफ्ट सामान है हमारी तरफ से आप सबके लिए, प्लीज एक्सेप्ट कीजिए। आई एम सॉरी, ये सब मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। इस तकल्लुफ में मैं यकीन नहीं करता। नहीं, ये तकल्लुफ नहीं है, ये हमारा सम्मान है आपके लिए, प्लीज। देखिए, बेटे के ससुराल से ऐसे खाली हाथ तो वापस नहीं भेज सकते ना आपको। रख लो ना ये सब, आप कहिए जी। सुनिए, वो ले लो तुम। शुक्रिया। गारी जी, ये लो तुम्हारा शगुन। ऐसे क्या देख रही हो? अरे अक्षु के बहन हो, हक है तुम्हारा इस शगुन पे। माँ ने मुझे पहले बता दिया था, आते समय में से मजाक कर रहा था। उन्होंने बताया था कि मुझे शगुन लगेगा, इसलिए तुम्हारे लिए स्पेशल गिफ्ट लिखा। थैंक यू। वैसे मैंने तो भाई को मना किया था कि छिपकली के लिए गिफ्ट लेने की क्या जरूरत है, लेकिन भाई को लगा कि अगर भाभी को मनाना है तो ये छिपकली जैसी बहन को तो झेलना पड़ेगा ना। तो मुझे भी तो झेलना पड़ेगा ना, तुम जैसे चमगादड़ को। वेरी फनी। वैसे तुम्हें पता है, हम दोनों के बीच में एक चीज कॉमन है, छिपकली और चमगादड़ ना दोनों एक नंबर के चिपकू होते हैं। एक जगह चिपक गए ना तो हटने का नाम नहीं। चिपकू मैं नहीं हूँ, प्लीज, चिपकू तुम हो। तुम्हारी आदत है हर चीज में टांग अड़ाने की। और तुम्हें आदत है हर चीज में मुंह बनाने की। अरे बस करो, तुम बस करो, सभी को सी ऑफ करना है, गिफ्ट वगैरह सब अंदर रखवाना है, चलो कम ऑन। जी तुम्हें बाद में देखता। शट अप। अक्षु हम चलते हैं। आंटी, सब ठीक था ना? सब कुछ बहुत बढ़िया था। और अक्षु, थैंक यू अभी के पापा को लाने के लिए। तेरी और अभी की शादी का ये पहला फंक्शन है ना, मेरे लिए बहुत खास है। अरे तुम अच्छे से जानती हो कि मैं कार्डियक सर्जन, और सर्जन की नजर बहुत तेज होती है। मैं इंसान का चेहरा देखकर ही बता सकता हूं कि उसके दिल का क्या हाल है और उसके दिल में चल क्या रहा है। अक्षु की बहन, वो तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम जान हो उसकी। पता नहीं तुम्हें ये सब दिखाई क्यों नहीं देता। शायद इसलिए क्योंकि रिश्ता हो या किताब, जब बहुत करीब से देखते हैं ना तो ठीक से देख नहीं पाते। इसीलिए बता रहा हूं तुम्हें, तुम अक्षु के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। और ऐसा नहीं है कि जो हो रहा है वो मुझसे छुपा है या मुझे समझ नहीं आ रहा है। शादी का माहौल है, खूब इंजॉय करो, खाओ पियो, गाओ, छेड़ो, जितना बड़ा शगुन लेना है लो, कुछ भी करो, लेकिन मेरी अक्षु का दिल मत दुखाना, उसे दर्द मत देना। बहुत खुश है वो, उसकी खुशी ऐसी ही रहनी चाहिए। अगर उसके चेहरे की हंसी को कुछ हुआ ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्योंकि हमारा रिश्ता अब नेक्स्ट लेवल पे जा चुका है। अब अक्षु के हर सुख दुख पे ऑफिशियली मेरा कॉपीराइट है। अगर कोई तकलीफ, कोई दर्द उसके तरफ आई तो उसके सामने मैं खड़ा हूंगा। और ये जो जीजा और साली का मस्ती वाला मजाक वाला जो रिश्ता होता है ना, उसको मस्ती मजाक तक ही रहने दो, क्योंकि अगर बात आगे बढ़ी तो पता नहीं कहां तक जाएगी। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है। नहीं आ रही है ना बात समझ में? और हाँ, वो साली आधी घर वाली टाइप के ब्लू ब्लू लाल कॉन्सेप्ट,
मेरी डिक्शनरी में नहीं। मेरे लिए मेरी घरवाली बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्षु बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कह रहा हूं। ठीक से रहना, खुश रहोगी, वरना यूं रहूंगी। हैव अ गुड डे। मैं वो साली नहीं हूं जो थोड़े से शगुन के लिए जीजा के चारों तरफ चक्कर लगाए। मैं वो लड़की हूं जो जीजा की जेब और पर दोनों को कतरना जानती है। इसलिए देखना, ये धमकी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी डॉक्टर अभिमन्यु बिरला। जानती हूं मैं, मुझे ऐसे इनडायरेक्टली सुना क्यों रहा था? विलन समझता ना मुझे, तो मैं विलन बन के दिखाती हूं उसे। आरू, तुझे अभी ने गिफ्ट में क्या दिया? पता नहीं मुझे, मैंने देखा नहीं अब तक। कैसी है यार तू, बिल्कुल कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है। अगर मुझे किसी ने गिफ्ट दिया होता ना, सारा काम छोड़ के मैं पहले गिफ्ट खोल के देखती। अच्छा खोल के देखना, वो बताना क्या दिया है। देखना देखना। शु यार तो मुझे बहुत इरिटेट करने लगी है, जल्दी बता। बुक? अभी ने तुझे बुक दिया है? शादी में बुक कौन देता? मुझे लगा कोई एक्सपेंसिव वॉच या सुंदर सा कोई मेकअप का सामान दिया होगा। ये तो बुक दे दिया। ये कोई ऑर्डिनरी बुक नहीं है, ये बहुत ही एक्सक्लूसिव बुक है। हम डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये मार्केट में आसानी से मिलती भी नहीं। सच्ची? हाँ। फिर तो अभी ने अपनी साली को सच में बहुत स्पेशल गिफ्ट दिया है, उसके पसंद का और उसके काम का। तुझे पता है यार, एक सेकंड, मुझे कॉल आ रहा है हॉस्पिटल से, मैं बाद में बात करती हूँ। ओके, बिजीएस्ट डॉक्टर ऑफ उदयपुर। फिर आज रात 8 बजे में तुम्हें लेने आऊंगा, हमारी पहली टीम। आज रात 8 बजे क्या होगा, हमारी पहली डेट? हम रोज मिलते, फिर भी ऐसी पहली बार मिलने वाली फीलिंग आ रही है। अजीब सी फीलिंग है, अजीब सा एक्साइटमेंट है, दिल में कुछ कुछ हो रहा है। मैं जल्दी से साड़ी सिलेक्ट कर लेती हूँ। अभी ने स्पेशली कहा था कि मैं साड़ी पहन कर आऊं। इसे भी संभाल के रख दीजिए। माँ! गेस करिए, मैं आपके लिए क्या लाया हूँ? क्या क्या बता रहा, क्या लाया है? बुढ़ी के बाल। बहुत पसंद है ना? हाँ। और ये किस खुशी में? तेरे तिलक की खुशी में? नहीं माँ, ऐसे ही। आपको बहुत सारा सॉरी बोलना था और बहुत सारा थैंक यू माँ। पता नहीं क्यों आज मैं बहुत खुश हूँ, सब अच्छा लग रहा है, सब सही लग रहा है मुझे आज। मैं भी बहुत खुश हूँ बेटा, तेरी शादी का पहला फंक्शन, तेरा तिलक कितना अच्छे से हुआ। नहीं बस अब आगे भी ना सब कुछ ऐसे ही अच्छा ही होगा, सब अच्छा होगा। आप मुंह मीठा करिए। पकड़िए आप। हाय राम, तू ना सच में चिड़कुरामी है।
माँ ये गलत बात है। और नहीं तो क्या, आपकी बहू अभी तक आपके घर नहीं आई है, अभी से आप लोग एक ही टीम में हो गए। तू तो देखता जा बच्चू, आगे जाके हम दोनों सास बहू मिलकर तेरा क्या हाल करेंगे। अच्छा वैसे मुझे आपको एक सीक्रेट बताना। जरूर अच्छू को लेकर होगा है ना, बता। अरे अभी बताना ना। बताना बेटा नहीं प्लीज। बताना अभी, मुझे बेचैनी हो रही है प्लीज। अब तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा, रहिए आप बेचैन। अभी एक काम कर, तू ना मुझसे बात भी मत कर। चिड़कू की माँ भी चिड़कू। अभी चिड़कू माँ मारूंगी। चिड़कू की रानी, चिड़कू मार रहा। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।